छुटकी ने तो कोशिश बहुत की थी कि अंश और पिया अलग ना हो, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। पिया यहाँ नहीं है, बल्कि मैं नहीं जानता कि वो सबका। नहीं जानते मतलब? सांजी, पिया ऐसे कैसे जा सकती? और इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम उसे मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। क्या बात करते? बात करने को बचा ही क्या है? अंश ने जो गुड़िया के साथ किया आप ही बताइए, उसके बाद गुड़िया करती भी तो क्या करती? तो मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि आप यहाँ गुड़िया को समझाने आई हैं। एक बार अंश को समझा देती तो शायद बात यहाँ तक पहुँचती नहीं। निशान जी, मैं मानती हूँ अंश से गलती हुई है, लेकिन वो अपनी गलती मान नहीं रहा है। मैंने अंश से भी बात की। बस, प्लीज, इनफ। गुड़िया और अंश मैच्योर एडल्ट्स हैं, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं, और अगर यही उनका फैसला है तो हमें उनके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, न कि अपने फैसले को उन पर थोपना चाहिए। निशान जी, आप ऐसा क्यों? मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। ये इंसान इतने बेवकूफ होते हैं कि गलत फहमियां पैदा हो जाए तो उन्हें पालने लगते हैं, उन्हें मिटाने की कोशिश भी नहीं करते। मेरी पैदा की हुई एक गलत फहमी ने दैविक और दावंश को हमेशा के लिए अलग कर दिया, और अब अंश मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गया है। जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लेकिन आदि का क्या? उसने तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखा है। आदि तो एक चींटी है, जब जाऊंगी मसल दूंगी। ये चींटी बहुत तेज काटती है, मत भूलो आदि कोई मामूली बच्चा नहीं है, दैविक और दावंश की संतान है। लेकिन उसकी शक्तियां तो बंधी हुई है। लेकिन मुंह तो खुला है, उसने अंश को तुम्हारे बारे में बता दिया तो? नहीं बताएगा, मैं उसे इतना डरा दूंगी कि वो किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलेगा, और अगर बता भी दिया तो उस बच्चे की बात पे यकीन करेगा कौन? आदि को बच्चा समझने की गलती मत कर बैठना। मैं एक एकाएन होके उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। जल्दी से उसका कुछ बंदोबस्त करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चा ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। अच्छा परी। हाँ मम्मा। आपके लिए मैंने आपका ना फेवरेट पास्ता बनाया है, टिफिन खत्म करना। ओके ओके मम्मा। वो आपके बाल ही नहीं बने, आ जाओ बेटा आपके बाल बना देते। आपका कोम भूल गई, एक मिनट। मम्मा जल्दी करो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। सॉरी दादी, आई नो आप लेट हो रहे हो, पर मैं अभी कोम लेकर आती हूँ। ओके पर जल्दी आप कोम लेकर आओ, तब तक मैं अपनी डॉली से खेलती हूँ। डॉल के बाल? डॉल के नहीं बेटा, आपके बाल। नहीं। अच्छा, जरूर सामी ने बना देंगे। अच्छा चलो चलो, जल्दी चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, आ जाओ।
मैं भी जल्दी चलती हूँ। What? Hostel? तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या कह रही हो? आदि हॉस्टल में कैसे रह सकता है और क्यों रहेगा? अंश मेरी बात समझने की कोशिश करो। फैमिली के लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं और यही आदि के साथ हो रहा है। कुछ दिन हॉस्टल में रहेगा ना तो डिसिप्लिन सीखेगा, क्या रहेगा तो हर वक्त तुम्हें जज करता रहेगा। उसे लगेगा कि शादी के बाद तुम बदल गए हो और वैसे भी उसके लिए मुझे एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल हो गया है, बहुत मुश्किल है। ऐसे में तो वो मुझसे और नफरत करने लग जाएगा। हॉस्टल में रहेगा ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और अंश, ऐसे भी मैं कौन से उसे हमेशा के लिए हॉस्टल भेजने की बात कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ ना कि कुछ दिनों के लिए हॉस्टल भेजते हैं। बात कुछ दिनों की हो या कुछ घंटे की, आदि हॉस्टल नहीं जाएगा। और रही बात तुम्हें एक्सेप्ट करने की, तो मैंने आदि से बात की है, वो कोशिश कर रहा है। लेकिन अंश, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया आदि हॉस्टल नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, वो यही रहेगा अपने घर में अपने परिवार के साथ। उसे माँ का प्यार तो मिला नहीं, और मैं उससे बाकी सबका प्यार भी छीन लूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे आदि को स्कूल छोड़ने जाना है। कम बेटा। बी केयरफुल ओके। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, समझ गए? सब समझ गई। अभी मैं जाऊँ वरना टीचर मुझे पनिश करेगी। बाय बाय। अरे अरे परी, सादा शैतानी नहीं। अरे अगर बच्चे बचपन में शैतानी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? लेकिन बेटा, शैतानी का ये मतलब तो नहीं ना कि आप लोगों को परेशान करो जैसे अपने पहले वाले स्कूल में करते थे। सब आपसे कितना डरते थे। पहले तो मैं छोटी थी मम्मा, अभी मैं बड़ी हो गई हूँ। अच्छा, डोंट वरी, जो भी मेरे साथ हंसी करेगा मैं उससे दोस्ती कर लूंगी। अच्छा मेरी माँ, अब आप जाओ। मैं हूँ आपकी मम्मा, आप हो मेरे मम्मा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। बाय बाय। श्योर। ऐसा क्यों लगा कि पिया मेरे आसपास है? शायद मेरा वहम होगा।
दादी। चल मुझे भूख लगी है। तुझे मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? तू रुक, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूँ। तुम ठीक हो? हाँ दीदी, लेकिन वो अगर मैं टीचर को बताऊंगा तो तुझे भी डांटेगी और मुझे भी। टीचर को बताएगा जब बता।